लोकसभा चुनाव के 15 माह के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ है जिससे खलबली मच गई। माना जा रहा है कि ऑडियो वायरल करने वाले ने इसे उस समय बाजार में फेंका है जब खुज्जी विधायक छन्नी साहू का नाम मंडल प्राधिकरण या आयोग के लिए सुर्खियों में चल रहा है। आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा चुनाव में रजनांदगांव संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए खुज्जी के पूर्व विधायक भोलाराम साहू के चुनावी षड्यंत्र के हिस्से का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में खुज्जी की विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू और किसी एक अन्य व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। ऑडियो में विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू साफ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में एक ऐसा मैटर चलाओ कि यदि भोला राम साहू को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया तो किसान संघ इसका खुला विरोध करेगा। यह ऑडियो लोकसभा चुनाव के 15 माह बाद वायरल हुआ है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ऑडियो वायरल करने वाले ने इसे उस समय बाजार में फेंका है जब खुज्जी विधायक छन्नी साहू का नाम मंडल प्राधिकरण या आयोग के लिए सुर्खियों में चल रहा है। यानी ऑडियो को वायरल करने के पीछे महज स्वार्थ सिद्ध नहीं होने का अंदेशा भी कहा जा सकता है। इस ऑडियो में बातचीत का जो सार है उससे इस आशंका को भी बल मिलता है कि लोकसभा के लिए किसी तरह टिकट लाने के बाद भोला राम साहू को हराने में भी चंदू साहू द्वारा कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। मंगलवार की शाम से सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे ऑडियो के आधार पर यह साफ है कि विधायक पति चंदू साहू ने कथित किसान संघ की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब किसान संघ की राजनीति से एकाएक उनका मोह भंग हो जाना भी इस बात को परिलक्षित करता है कि चंदू साहू ने किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का काम किया। वर्तमान में प्रदेश की कांग्रेस सरकार जमीनी स्तर पर लोगों को साधने में लगी है। ऐसे समय में विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू के चुनावी षड्यंत्र से लबरेज ऑडियो वायरल होने से राजनीतिक खलबली मच गई है। देखना यह है कि कांग्रेस संगठन ऐसे राजनीतिक षड्यंत्रकारी पर कार्यवाही करती है या फिर चर्चा का विषय बनकर सिमट जाता है। मालूम हो कि भोला राम साहू को लोकसभा की टिकट मिलने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें हरा पाना काफी कठिन होगा, क्योंकि लोग रजनांदगांव संसदीय सीट में साहू समाज की बाहुल्यता पर जीत का आंकलन लगा रहे थे, पर परिणाम काफी विपरीत आया। ऐसे में अभी सोडियों से यह साफ हो गया है कि चंदू साहू जैसे लोगों के कारण ही साहू समाज मुफ्त में बदनाम हो गया और चंदू साहू अपनी सोची समझी चुनावी षड्यंत्र में कामयाब हो गए। देखना यह है कि साहू समाज के चिंतनशील लोग इस मसले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। हेलो, नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। अरे यार, या तो ग्रुप में जोड़ दो या तो फोटो भेज दो, दोनों काम नहीं किया बाबू अभी तक। हरिचंद नहीं भेजा था क्या आपको? हाँ, कुछ नहीं किया है। अरे आप हो क्या एडमिन हो उसमें? आप एडमिन तो मैं देखता हूँ अगर होगा तो। सुनो ना। हाँ बोलिए। एक काम कर सकते हैं क्या? बोलो ना भैया। भोला राम साहू को अगर राजनांदगांव से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाया जाता है तो जिला किसान संघ करेगा विरोध करके। मैटर सोशल मीडिया में चलाना था उसको। मैं चलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डाटा अभी कहाँ हो आप? अभी मैं तो गांव में हूँ। मैं उधर ही आ रहा हूँ, नांदगांव साइड आऊँ क्या मुलाकात? मैं एक्चुअली यहाँ जाऊँ, मीटिंग है। कितने बजे? एसटी सेल का। अच्छा, है ना। छन्नी वहाँ जा रही है। हाँ, मैं जाऊंगा जॉब। नहीं तो मतलब कितने बजे तक मुलाकात? मैं रहूंगा 5 बजे तक। 5 बजे तक? हाँ, तो 2:30-3 बजे तक तो मैं फ्री हो जाऊंगा। तो 3 बजे में गड़बड़ा गया यार मेरा। अरे क्या हो गया? मलेरिया हो गया था। अरे यार, ध्यान क्यों नहीं देते? सुरेश भैया को मालूम है। भैया कहाँ है? वो तो नांदगांव में है। चलिए मैं सुनो ना। हाँ बोलिए। मैं बोला हूँ उसको थोड़ा तगड़े चलाओ यार आज। हाँ मैं कर दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ उसको मैं, है नहीं? आओ। जिसका किसानों के मतलब संघर्ष में हाँ
जैसे कि जब आग सूखा पड़ा था 2015-16 में, कोई रूलिंग नहीं रहा है। हाँ कोई, तो एक काम कर रहा हूँ, सुनिए ना, भैया के साथ रहूंगा, कुछ मैटर भी ले लेता हूँ वहां से मैं। सुनो ना, हाँ बोलिए। वो खैर मैटर नहीं यार, भैया से बात हुआ है अभी, किसी को बोल के चलवाओ करके। अच्छा चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, हाँ किसानों को, किसान सूखे के समय सड़क पे आ गए हजारों की संख्या में, हाँ जेल चले गए, लेकिन राजनांदगांव जिले के सीनियर विधायक होने का दम भरने वाले भोलाराम साहू जी का हाँ किसानों के दुख के समय में, संघर्ष के समय में कोई कोई योगदान नहीं था। योगदान नहीं ऐसे रहा था। हाँ ठीक हाँ है। है ना, हाँ ऐसे लोगों को अगर उम्मीदवार बनाया जाता तो खुला विरोध करेंगे करके थोड़ा सा। जिला किसान संगठन। हाँ हाँ ठीक है चलिए, प्रणाम ठीक हाँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।